उदयपुर की घटना जो कल हुई है वाकई में दिल दहला देने वाली है। मतलब इतना कुछ हो रहा है खुलेआम और गवर्नमेंट या कोई भी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि इस घटना का भी सीधा संबंध युग परिवर्तन और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से है। अब कैसे, चलिए इसी को समझते हैं। जय कल्कि, जय जगतपति, पद्मापति, जय रमापति, जय जगतनाथ, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय। तो कल जो घटना हुई, आप लोगों को नहीं पता है तो मैं डिटेल में समझा देता हूँ कि जो उदयपुर के एक मेरे ख्याल से जो कपड़े बनाने का काम करते थे, दर्जी थे असल में, उन्होंने कुछ समय पहले जब नूपुर शर्मा वाला, आपको पता है, बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था, शायद कुछ फेसबुक पे पोस्ट वोस्ट किया था जैसे आम तौर पे कई लोग करते हैं। इनको पहले एक धमकी मिली और फिर जो घटना हुई वाकई में मतलब दिल कपा देने वाली है। दो लोग घुसे कपड़े बनवाने के बहाने और फिर उनका मर्डर कर दिया और बहुत बुरी तरीके से किया। मतलब वीडियो तो अभी मैं दिखाई नहीं सकता वरना वीडियो हमारा उड़न छू हो जाएगा। और ये उसके बाद उन्होंने एक और वीडियो बनाया जिसमें वो खुला चैलेंज कर रहे हैं, गवर्नमेंट को खुला चैलेंज कर रहे हैं कि हम तो मतलब ऐसे ही करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब बात करते हैं कि कैसे युग परिवर्तन से संबंधित है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से संबंधित है। तो आपको बता दूँ जितनी भी चीज़ें हो रही हैं ये इन दोनों के तहत ही हो रही है। युग परिवर्तन की बात की जाए तो आप सबको पता होगा हम लोग कलयुग के एंड में जी रहे हैं और बहुत जल्द इसका एंड होकर सतयुग की स्थापना होने वाली है, जिसके लिए भगवान कल्कि और कई सारी चीज़ें भी पृथ्वी पर ऑलरेडी आ चुकी हैं। अब बात करते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एजेंडे को कैसे आगे ले जाती हैं। ये वीडियो मैं कल रात को बना रहा हूँ क्योंकि इंटरनेट यहाँ पे बंद होने वाला है, कुछ जगहों पे बंद हो चुका है, कुछ जगहों पर आज सुबह तक हो जाएगा, इसलिए रात को मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको बता दूँ कहीं ना कहीं संबंधित इसलिए हैं क्योंकि ये भारत में कहीं ना कहीं अस्थिरता फैलाएंगे। जो सांप्रदायिक दंगे होंगे वो बहुत ज़्यादा भड़केंगे, तभी तो भारत में एक तरह से बोलते हैं ना इंटरनेट शटडाउन तो हो ही रहा है। इसी तरीके से धीरे धीरे करके अस्थिरता फैलेगी तभी देश कमज़ोर होगा। देखिए जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा है, आप लोग सोचिए, मान लीजिए किसी को पूरी दुनिया पे कंट्रोल करना है तो एक ताकतवर बोलते हैं दुनिया में तो कोई एक राजा नहीं हो पाएगा या कुछ लोग मिलकर दुनिया थोड़ी चला पाएंगे ज़्यादा समय तक। तो अगर उनको पूरी तरह से कंट्रोल करना है तो उनका मेन टारगेट होना चाहिए हर देश को कमज़ोर करना। और इसी कड़ी में भारत का जो सबसे कमज़ोर नब्स बोल सकते हैं हम लोग, वो हैं सांप्रदायिक दंगे। आप लोग देख रहे हैं हिंदू मुसलमान सबसे बड़ा हथियार है उनके लिए, जिसके कारण वो लोग इजीली भारत को बर्बाद कर सकते हैं, भारत को कमज़ोर कर सकते हैं। फिर वो लोगों का मेन एजेंडा यही होने वाला है कि भारत की सेना को बर्बाद करके यहाँ पे अमेरिका या ब्रिटेन की सेना को ला के और फिर आखिर में एक सरकार, एक वर्ल्ड, एक गवर्नमेंट, एक धर्म, ये चीज़ बनाना। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब ही यही है। बाकी जो उदयपुर में घटना हुई है वाकई में बहुत दुखद है। मतलब इन लोगों की हिम्मत तो देखिए आप लोग, ये करने के बाद वीडियो बना रहे हैं बाकायदा कि हम किसी से नहीं डरते और अभी तक पुलिस और प्रशासन कुछ नहीं कर पाए। देखते हैं गवर्नमेंट कब तक क्या कुछ कर पाती है। बाकी आप लोगों का क्या विचार है इस बारे में कमेंट जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्ण दोस्तों।